तो बच्चों कैसे हैं आप बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूली ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस। बच्चों केमिस्ट्री के अंदर आप जो भी लिखते हैं, जो भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन से, ये आप जानते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको केमिकल फॉर्मूले याद नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स को जिनको फॉर्मूले नहीं आते हैं, और वो बच्चे केमिकल रिएक्शंस नहीं लिख पाते हैं। और जब तक केमिकल रिएक्शंस नहीं लिखेंगे तो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन लिखना मस्ट है, लेकिन उसके लिए पहले जानना जरूरी है कि उस केमिकल सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने टेबल मेंटेन किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इस टेबल के दो पार्ट है बच्चों, एक पार्ट इधर है, थ्री कॉलम्स आर हियर ऑन द लेफ्ट साइड एंड थ्री कॉलम्स आर ऑन द राइट साइड। बच्चों मेंशन किया है कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स है बच्चों, यहाँ पे इनके फॉर्मूले मेंटेन किए हुए हैं और यहाँ पे नेचर और स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, क्लियर है। सेम इज ऑन राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं, फिर फॉर्मूले लिखे हुए हैं और फिर उस सब्सटेंस की या कंपाउंड की नेचर लिखी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहले हमने लिया एक्वारेजिया। बच्चों ये नाम आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखिएगा। गोल्ड जो मेटल होती है उसको डिसॉल्व करने के लिए, गोल्ड इज अ एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो एक्वारेजिया को बनाया गया था गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, गोल्ड केवल इसी में डिसॉल्व होता है, अदरवाइज वो किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो कैसा है, नोबल मेटल। तो ध्यान रखिएगा एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसन HCl and HNO3। और बच्चों यहाँ पे HCl का और HNO3 का जो रेशियो होता है बाय वॉल्यूम, इट इज फाउंड 3:1, 3/3 वॉल्यूम HCl का होगा और एक वॉल्यूम HNO3 का होगा, क्लियर बच्चों। और यहाँ पे कॉलम में मेंशन किया हुआ है आर्नियस एसिड, तो पहले हम जो ले रहे हैं वो आर्नियस एसिड है, आप जानते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला HCl होगा, ये भी एसिड होता है बच्चों। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला HNO3 होता है, ये भी एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड फॉर्मूला H3PO4 होगा, एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट है एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिड है सर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला होगा, एसिड। पर सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों H2SO5, ये भी एसिड होता है बच्चों। और कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी आप पीते हैं या फिर बियर सैंपेन, उन सब के अंदर ही कार्बोनिक एसिड होता है। और सर नेक्स्ट है आपका बोरिक एसिड, ये H3BO3 होता है बच्चों, ये आर्नियस एसिड नहीं है, इट इज द एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, ये रेड एंथ में होता है, रेड एंथ क्रिस्टिंग होता है, उसके अंदर होता है HCOOH, और ये एग्जांपल है आर्नियस एसिड का। अब बच्चों यहां पे येलो कलर से जो लिया हुआ है, दीज आर बेसिस और इनको ब्रोंस्टेड बेस भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज द फॉर्मूला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बेस है। इधर आइए फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है सर, MgOH2 इज द फॉर्मूला, बेस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बेस, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 बेस, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट। सर यहां से सॉल्ट स्टार्ट हो गया है, ब्लू से हमने सॉल्ट को मेंटेन किया हुआ है। तो दीज आर द फॉर्मूली ऑफ सॉल्ट्स, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr सॉल्ट, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 सॉल्ट, पोटेशियम आयोडाइड KI, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए जरा, पॉज कीजिए और नोट कीजिए जो आपको प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट है बच्चों पोटेशियम साइनाइड KCN सॉल्ट चल रहे हैं बच्चों, अमोनियम साइनाइड NH4CN, लेड नाइट्रेट PbNO3 सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्ट। बच्चों उसके बाद जो ये पिंक से दिखाई दे रहा है आपको, ये सब ऑक्साइड्स हैं।
आइए कार्बन मोनोऑक्साइड CO बच्चों इसका नेचर जो होता है न्यूट्रल होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपको आगे काम आने वाला है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एसिडिक नेचर होता है बच्चों इसका। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एसिडिक, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 होता है बच्चों एसिडिक, और ये आपको पता है कि एसिड रेन कोस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फेरस ऑक्साइड FeO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका नेचर बेसिक होता है बच्चों, एग्जाम में पूछता है, आपको काम आने वाली चीजें हैं ये। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बेसिक होता है, सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 ऑल्सो बेसिक इन नेचर, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बच्चों एम्फोटेरिक, काफी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि Al2O3 का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरह से बिहेव करता है। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड 2, इसका फॉर्मूला PbO2 होता है बच्चों, एम्फोटेरिक है। लेड ऑक्साइड 4, यहाँ पे लेड की वैलेंसी 4 होती है, पहले वाले केस में लेड की वैलेंसी 2 थी, तो जब लेड की वैलेंसी 4 होती है फॉर्मूला हो जाएगा PbO2, इसका नेचर भी एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक बोले तो जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे बच्चों। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये एसिडिक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस बच्चों, उसको स्मेल करने से गुदगुदी होती है और लाफिंग की फीलिंग होती है, क्लियर है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 एसिडिक होगा। फास्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 एसिडिक इन नेचर, सोडियम मेटाल्यूमिनेट NaAlO2 बेसिक इन नेचर, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO, नेचर एम्फोटेरिक होती है बच्चों, बताया था अभी आपको ऊपर। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड Na2O बेसिक इन नेचर। चलिए बच्चों अब कुछ और लेते हैं। अगला है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 सॉल्ट की क्लास है सर, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन में इनकी कॉमन नेम भी दिए गए हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 सॉल्ट कैटेगरी है इसकी, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बच्चों, इसको चिले सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं इसको। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहलाता है बच्चों, कॉमनली एंटी एसिड की तरह यूज होता है, जो आप इनो पीते हैं इनो के अंदर यही होता है जो आपके एसिडिटी को रेगुलेट करता है जब आप ज्यादा खा लेते हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस Na2CO3, एनहाइड्रस का मतलब है कि इसके अंदर वाटर नहीं है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 into 10H2O, डेका मींस 10 होता है और हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है, मतलब कि ये सॉल्ट जो है इट 1 मोल ऑफ दिस सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर, क्लियर है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों Na2CO3 के 1 मोल में 10 मोल वाटर कैरी करता है ये, और ये कहलाता है वॉशिंग सोडा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 बच्चों, ये सॉल्ट है हमारा, यहां पर इसको रिमूव करेंगे, सॉल्ट है बच्चों। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये बच्चों हमारा सॉल्ट है, क्लियर है, सॉल्ट, तो यहां पे मेंशन कर देते हैं ये सॉल्ट, सॉल्ट, क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, मतलब वाटर नहीं है, CuSO4 व्हाइट कलर का होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4। अगला है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 into 5H2O, यानी CuSO4 के 1 मोल में 5 मोल ऑफ वाटर कैरी करेगा, और ये कहलाता है ब्लू विट्रियोल, इसे कलर ब्लू होता है बच्चों, और ये ब्लू विट्रियोल कहलाता है, एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों कैल्शियम सल्फेट CSO4 सॉल्ट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट,
FeSO4 into 7S2O, green vitriol इसका नाम है। अब इसको heptahydrate क्यों बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे hepta means 7 होता है, आप IUPAC में पढ़ेंगे, और hydrate तो आप जानते हैं water होता है, तो FeSO4 into 7S2O ये कहलाएगा हमारा green vitriol। बहुत पूछा जाता है exam में। Next है barium sulphate, formula होगा BaSO4, white color होता है बच्चों। Aluminium sulphate Al2SO4 thrice, lead sulphate सेकेंड PbSO4। बच्चों लेड की दो वैलेंसी होती है, 2 और 4, तो यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि यहाँ पे लेड की वैलेंसी 2 है, और जब लेड की वैलेंसी 2 होती है प्लम्बस बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे लेड सल्फेट 2, तो PbSO4 प्लम्बस बोलता है, तो प्लम्बस भी PbSO4 होगा, क्योंकि प्लम्बस तब बोलते हैं जब लेड की वैलेंसी 2 होती है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको। हमारा जो डाइट होता है, डाइट का ये एक इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट होता है बच्चों। नेक्स्ट है जिप्सम CaSO4 2H2O, बच्चों इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O, बच्चों इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मींस हाफ, तो इसका नाम होता है कॉमन नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों स्टेचू बनाने के काम आता है, आपको पता है ये। बच्चों जिप्सम जो होता है वो सीमेंट में मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट की जो सेटिंग होती है वो थोड़ा स्लो हो जाए। क्लियर है? खैर ये बड़ी क्लास में आएगा, अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जो कपड़ों जो हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री होती है, जो आप डेनिम पहनते हैं, डेनिम के एक ही ब्लू के बहुत सारे शेड आते हैं, ब्लैक के बहुत सारे शेड आते हैं, उन सबको ब्लीच करता है, कपड़ों को ब्लीच करने का काम आता है, वाटर को प्योरीफाई करने का काम आता है, जो हम जर्म्स को मारने के काम आता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम साइनाइड NaCl। क्लियर बच्चों? बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर वीडियो लाते रहें। अब नो टेंशन, क्योंकि आगे आए केमिस्ट्री जंक्शन।